नमस्कार दोस्तों, दूसरे दिन शार्दुल ठाकुर के बाद चेतेश्वर पुजारा ने खेली ताबड़तोड़ पारी और भारतीय टीम की जीत की पक्की। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन आपके हिसाब से इस मैच का असली हीरो कौन है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन बनाए। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम अपनी दूसरी पारी में महज 229 रनों पर सिमट गई। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम ने दूसरे दिन शुरुआती कुछ ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे दिन लंच से पहले शार्दुल ठाकुर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को लंच से पहले तीन बड़े झटके दे दिए और टी ब्रेक के बाद शार्दुल ठाकुर ने अफ्रीका की टीम को ऑल आउट कर दिया और शार्दुल ठाकुर ने 10 में से 7 विकेट लेकर जोहानिसबर्ग में इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं और साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम पर पहली पारी में 27 रनों की बढ़त बना ली थी, लेकिन दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम भी अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर चुकी थी। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही, दोनों बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम आज अपने 5 विकेट खो देगी, लेकिन चेतेश्वर पुजारा जो कि लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे, उन्होंने आते ही शानदार फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए महज 42 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके लगाए। हालांकि हमने कई बार देखा है चेतेश्वर पुजारा भारत के सबसे स्लो खेलने वाले खिलाड़ियों में माने जाते हैं, लेकिन पुजारा ने कल दूसरे दिन काफी तेज बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला। भारतीय टीम फिलहाल 58 रनों की बढ़त बना चुकी है और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 85 रनों पर 2 विकेट है। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं।